अस्सलाम वालेकुम जनाब, असी हैं ते कंजर झील ते, गर्मी है बहुत पीक पे और पानी की हालत ते ठीक नहीं। नहाने का मूड हो रहा है लेकिन हिम्मत नहीं हो रही, इतना गंदा पानी हो रहा है। 19 में जब आया था तो पानी बहुत अच्छा था लेकिन उस वक्त इतनी सर्दी हो रही थी कि मूड नहीं हुआ। अच्छा, इरादा था मेरा मुबारक विलेज की तरफ, एक सी साइड, नाम मुझे याद नहीं आना, बहुत अच्छी जगह है, वहाँ नहीं गया लेकिन मेरे पास इंटरनेट पैकेज नहीं है और वहाँ की डायरेक्शन का थोड़ा सा परेशानी होती है। और वैसे भी मेरी बाइक रनिंग पे, मैं भी उसको दिखाता हूँ मीटर, तो मुझे उसकी रनिंग भी पूरी करनी थी। मैंने सोचा यार ये सीधा सीधा रोड है तो चले जाते हैं कैंजर झील, थोड़ा सा घूम फिर के आ जाते हैं। तो जनाब आ गए हम कैंजर झील। लास्ट टाइम जब आया था तो उतना रश भी नहीं था, पानी भी क्लियर था। यहाँ इतनी गंदी बदबू आ रही है, जिस पॉइंट पर भी जाओ इतना रश। मैं भी आपको दिखाता हूँ यहाँ आवाम कितनी है। अच्छा, एक मज़े की बात ये कि अभी आप ये जितनी ये जगह देख रहे हैं ना, सूखी जगह जहाँ पे गाड़ी चल रही है, लोग बैठे हुए हैं, जब मैं आया था लास्ट टाइम आई गेस सर्दी का हैंड था या स्टार्ट था नवंबर का, तो यहाँ पे अभी जो मैं खड़ा हूँ ये जो पूरी जगह है यहाँ पे पानी था। इवन वो जो सामने बिलावल कलर के वो कोस्टर नज़र आ रही है और वो दरख्त नज़र आ रहे हैं, वहाँ तक पानी था। मतलब ये बिल्कुल वो रोड के किनारे पर पानी भरा हुआ था, पानी इतना ज़्यादा ऊपर आया हुआ था। अभी मैं ख़ुद यहाँ देख के हैरान हुआ हूँ यार ये क्या सीन हुआ है। पहले जब मैं आया था तो लास्ट टाइम इतनी जगह तो खाली नहीं थी, तो सीन ये था कि जो ये सामने अब नज़र आ रहा है ग्रीन हिल का, जिस पर सैयद मुर्ज़ा अली शाह लिखा हुआ है, ये तक पानी में डूबा हुआ था। यानी कि उस टाइम पर पानी इतना ऊपर चढ़ा हुआ था और पानी क्लियर भी था। अभी तो पानी शदीद का गंदा है यार, ये देख रहे हैं पानी लिटरली यहाँ से बदबू आ रही है और इस पानी में लोग नहा रहे हैं। तो भाई लोग अभी अपन आया है इधर शाहजहाँ मस्जिद, गुजर रहा था डट्ठा से तो यहीं पर है, तो सोचा चलो विज़िट कर लेते हैं। खैर शाहजहाँ मॉक्स पे मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप लोगों ने देखी हो तो, मैंने सोचा चलो एक और वीडियो बना लेते हैं, दोबारा आ जाते हैं अपने शाहजहाँ भाई हैं उनको भी अच्छा लगेगा। अच्छा, ये मस्जिद 16th सेंचुरी में बनी थी, 16वीं सदी में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, और अभी भी मैं यहाँ आता हूँ तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा है यार, मतलब अभी तक कहीं से लगता नहीं, कहीं से डैमेज नहीं है, थोड़े बहुत टाइल्स वगैरह का हुआ है लेकिन बाकी ओवरऑल कंडीशन बिल्कुल ओके।
और जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं, ये शाहजहान भाई वही हैं जिन्होंने इंडिया में, शायद आई गेस आगरा में, मुझे नहीं पता आगरा में है या दिल्ली में कहीं पे, जो ताजमहल बनवाया था जिन्होंने अपने मुमताज़ के लिए, तो ये वही शाहजहान भाई हैं जो 16वीं या 17वीं सदी में यहाँ पे आए थे अपने अब्बा जी से नाराज़ होके। तो यहाँ पे उन्होंने मकामियों के लिए मस्जिद बनाया था। अच्छा, मज़े की बात यह है कि लास्ट टाइम जब मैं आया था तो उस वक्त जहर का टाइम हो रहा था, उस वक्त भी नमाज़ का टाइम था, और आज मैं आया हूँ तो असर का टाइम है। और अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे अभी तक नमाज़ वगैरह होती है प्रॉपरली। मुझे नहीं पता ईद की होती होगी या नहीं, जुम्मे की भी होती होगी आई गेस, ईद का मुझे नहीं पता, तो ये बहुत अच्छी बात है यार। और हाँ, इस मस्जिद की एक और ख़ास बात वो ये कि ये दुनिया का शायद वाहिद मस्जिद होगा जिसमें गुंबद तकरीबन 100 के करीब है और मीनार एक भी नहीं है, तो एक बहुत यूनिक की सी बात है।